वेलकम हम देख रहे हैं एडिक्वेसी ऑफ रेन गेज स्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है रेन गेज क्या होता है, जो रेनफॉल को मेजर करते हैं उनको रेन गेज कहते हैं, ठीक है। अब रेन क्या होता है, हमारी एक तरीके की प्रिसिपिटेशन होती है, ठीक है। प्रिसिपिटेशन क्या होती है, हमारी जो भी हमारा एटमॉस्फेयर से मतलब क्लाउड से कहाँ पे आ रहा है, अर्थ पे आ रहा है, उसको हम प्रिसिपिटेशन बोल देते हैं। ये हमारी स्नो भी हो सकती है, ठीक है, ये हमारी क्या हो सकती है, रेनफॉल भी हो सकती है, और हेलस्टोन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हमारे इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल होती है, इसलिए हम रेनफॉल प्रिसिपिटेशन को ही क्या कह देते हैं, रेनफॉल। तो हमें निकालना है कितने रेन गेजेस स्टेशन होने चाहिए, ठीक है, एडिक्वेसी क्या होनी चाहिए उनकी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कितने रेन गेज स्टेशन होने चाहिए किसी कैचमेंट में। अगर ये हमारा कोई हमने एरिया या फिर कैचमेंट ले लिया, ये एरिया हमने या फिर क्या ले लिया, इसको हम कैचमेंट भी बोल देते हैं, हमने कोई कैचमेंट ले लिया, इसमें कितने नंबर ऑफ रेन गेज हो, ठीक है, ताकि यहाँ पे एरर ना आए, और अगर एरर आए भी तो कितनी हो एरर, एक्सेप्टेबल वैल्यू हो एरर की, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन इन गिवन कैचमेंट मस्ट बी होने चाहिए सफिशियंट सो दैट, ताकि एरर इन प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट, जो एरर आए प्रिसिपिटेशन मेजरमेंट में वो ज्यादा नहीं हो एक्सेप्टेबल वैल्यू से, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे देखते हैं, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर एन एरिया टू बी गिवन इज नेसेसरी एवरेज रेनफॉल। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारी नेसेसरी एवरेज रेनफॉल विद सर्टेन परसेंटेज, है ना, ऑफ एरर कैन बी अडॉप्टेड एज फॉलोज। तो कुछ एरर सर्टेन हम ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं एरर बहुत ज्यादा हो, तो हमारी एक्सेप्टेबल होती है। तब हम इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम पीएम से डिनोट करेंगे। सपोज हमारे पास रेनफॉल डेटा है, ये हमारा फर्स्ट स्टेशन था, सेकेंड, और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमारा पी वन की वैल्यू आई कुछ टू, पी टू की वैल्यू आई कुछ थ्री, पी फोर की वैल्यू आई और एट ले लो, और पी फाइव की वैल्यू आ रही है आपके पास कुछ फोर आ रही है, ठीक है। ये हमारी प्रेसिपिटेशन की वैल्यू आ गई अलग अलग रेन गेज पे। तो हम सबसे पहले इनका मीन कैलकुलेट कर लेंगे, मीन मतलब इन सबको ऐड करेंगे, और कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर, तो फोर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। तो पी मीन कैसे निकालते हैं, इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, ठीक है, पी थ्री है ना, पी थ्री प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, जितने भी हमारे नंबर होंगे अगर हमारा पी एन तक है, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एन तक, जितने हमने ऐड करे। तो हमने कितने कर थे, ये पी फोर और ये पी थ्री और पी फोर ले लें, तो हमने फोर लिए थे यहाँ पे। तो अगर आपके यहाँ फोर है तो यहाँ तो फोर ही आएगा और ये नीचे फोर आ जाएगा। तो हम ऐसे अपना मीन निकालेंगे। उसके आगे देखते हैं ये क्या लिखा है, पी वन पी टू पी थ्री क्या है, रेनफॉल रिकॉर्डेड है हर एक स्टेशन की, एंड जो है टोटल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है इस कैचमेंट में। अगर इस कैचमेंट में चार रेन गेज स्टेशन है तो हमने चार के लिए ऐसे करके निकालेंगे। तो अगर इसके लिए निकालेंगे तो पी मीन कितना आ जाएगा, टू प्लस थ्री प्लस एट प्लस फोर और डिवाइड बाई फोर, ठीक है, इनको सम करके जो आएगा वो हमारा पी मीन निकल आएगा। अब इसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे, इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद में हम स्टैंडर्ड निकालते हैं, डेविएशन जो होता है सिग्मा एन माइनस वन। तो सिग्मा एन माइनस वन कैसे निकलेगा, ये हम निकालते हैं अंडर रूट ऑफ, अब देखो जो आपका पहला प्रेसिपिटेशन था पी वन, सपोज आपका जो पी मीन आया वो आपका सपोज कितना आ गया, आपका फाइव आ गया सपोज करके, ठीक है। तो अगर आपका पी मीन कितना आ गया, फाइव आ गया, तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे पी वन लेना है, फर्स्ट डेटा कितना था माइनस, पी मीन कितना है फाइव, इसमें से पी मीन माइनस कर देना है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस जो आपका सेकंड प्रेसिपिटेशन है इसमें से भी पी मीन माइनस करके इसका स्क्वायर लेना है, प्लस जो आपका थर्ड है उसमें से भी पी मीन माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है। ऐसे करते करते आपको कहां तक करना है, आपको करना है आपका पी एन तक आ जाओगे माइनस पी मीन का स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड करना रहता है, आपको इसको डिवाइड करना रहता है n माइनस वन से, ठीक है। और आपको इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ, यहाँ पे क्या आ रहा है, पी आई लिख सकते हो उसको, ठीक है। ये i से कहां से जाएगा, वन से जा रहा है, और कहां तक जाएगा, एन तक जाएगा। आई इक्वल्स टू वन से समीशन कहां जाएगा, एन तक, पी आई माइनस पी एम का क्या ले रहे हैं, हम होल स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको समीशन लगा के लिख सकते हैं, और नीचे आएगा हमारा एन माइनस वन। हमने आई को भी डिफाइन कर दिया, आई क्या है, वन से लेके और एन तक जाएगा, है ना। ऐसे करते करते समीशन होता रहेगा, ये हमारा समीशन का निशान होता है। अब हमारा सिग्मा एन माइनस वन ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाता है ऐसे करके अंडर रूट में ये। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, सीवी। अब हम सीवी कैलकुलेट करते हैं, तो सीवी कैसे आएगा, सीवी इक्वल टू क्या होता है, जो आपने यहां से निकाला सिग्मा एन माइनस वन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन था, अपॉन जो आपकी मीन प्रेसिपिटेशन आई थी यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे वो उसको डिवाइड करोगे इनटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, हमारे पास हमारा कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन आ चुका है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ऑप्टिमल नंबर ऑफ स्टेशन निकालते हैं जो कि एन होता है। तो अब हम यहाँ एन कैसे लिखेंगे, एन क्या होता है, एन इक्वल्स टू सी वी अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर होता है। सीवी आप यहां से निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन प्रेसिपिटेशन रख के सीवी आ गया। अब क्या करोगे, सीवी के अपॉन में रखोगे एप्सिलॉन, इसका होल स्क्वायर करोगे, आपको नंबर ऑफ स्टेशन मिल जाएंगे, ऑप्टिमल नंबर ऑफ कितने होने चाहिए रेन गेज स्टेशन के। ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन जो नेटर है ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे अलाउबल डिग्री ऑफ एरर है, कितनी डिग्री आपकी एरर की अलाउ है। ठीक है, वो क्या है हमारी यहाँ पे, वो हमारी यहाँ पे है एप्सिलॉन। ठीक है, और एस्टिमेटेड मीन रेनफॉल जो आएगी वो आएगी किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, इन एस्टिमेटेड मीन रेनफॉल की। अब हम इसमें स्टेप फाइव देखें क्या है, स्टेप फाइव क्या है, यहाँ पे जो एडिशनल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है वो रिक्वायर्ड कितने होते हैं। सपोज आपने चार पहले लगाए हुए हैं और ये आपके एन की वैल्यू निकल के आई सिक्स, तो आपको कितने चाहिए, सिर्फ टू चाहिए, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इन रूटीन हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो एरर होती है एस्टिमेशन में वो कितनी होनी चाहिए, 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीड कितना, 10%। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू है, मेरा कैमरा का स्टैंड थोड़ा गड़बड़ा गया, सॉरी फॉर दैट। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.1। ओके, थैंक यू सो मच, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कैमरे का स्टैंड। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं ऊपर से भी दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच।